हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार कॉप प्रवेश में। आज की वीडियो में हम एक नई भर्ती बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS बिहार SHSV कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की भर्ती निकली हुई है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म जो है वो आपके 1/7/2024 से 1/7/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं लास्ट डेट जो रहने वाली वो है 21/7/2024 के 6 बजे तक, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी और EWS इन कैंडिडेट के लिए जो है वो ₹500 फीस लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए। SC ST और PHE कैंडिडेट के लिए जो है वो ₹250 लगने वाली है। वहीं ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है ₹250 पे करने होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 1/6/2024 तक काउंट होने वाली है। मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, साथ ही अधिकतम एज जो है वो 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं कि कुछ जो है एज में आयु सीमा में छूट दी गई वो देखते हैं। जैसे कि EWS के कैंडिडेट है तो आप 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। EWS की फीमेल है वो भी 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं। BC एंड EBC मेल और फीमेल जो है वो 45 वर्ष तक भर सकते हैं। वही SC ST मेल फीमेल जो है वो 47 वर्ष तक की आयु अगर किसी की है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एज लिखा है 21 ईयर 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू पर्सन विच बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांगजन है उनके लिए 10 साल की आयु सीमा में छूट मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो संपूर्ण वैकेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO। कितनी वैकेंसी है? 4500 वैकेंसी है। क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसके लिए? BSc नर्सिंग होना चाहिए / पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद CHH कोर्स, ठीक। या तो ये वाला होना चाहिए आपके पास में, या फिर होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरे GNM विथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए। और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, ये आपके लिए जो है योग्यताएं रहने वाली, ठीक है। अगर आपके पास में ये योग्यताएं हैं इनमें से तो आप जो है ये पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे UR यानी जनरल जो है यहाँ की कोई वैकेंसी नहीं जनरल की। EWS की जो है वो 145 पोस्ट है। EWS फीमेल की जो है वो 78 पोस्ट है। EBC की जो है वो 1345 पोस्ट है। वही EBC फीमेल के लिए जो है वो 331 पोस्ट है। वहीं बैकवर्ड क्लास इसके लिए 702 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 259 पोस्ट है। SC के लिए 1297 पोस्ट है। SC फीमेल के लिए 230 है। ST के लिए 95 है। ST फीमेल के लिए जो 36 है। तो टोटल वैकेंसी इस प्रकार से 4500 हो जाती है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर और अधिक जानकारी चाहिए आपको तो इसके लिए हम ऑफिशियल साइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।